हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बात करेंगे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में, जो कि इस फ्राइडे को रिलीज़ हुआ है। तो ये मूवी को लेकर आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी। हाँ, जुरासिक पार्क नाम नहीं है, जुरासिक वर्ल्ड है, बट स्टिल जुरासिक पार्क देख के हम लोग के चाइल्डहुड गुजरे हैं। तो ये मूवी को लेकर आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड ऑल्सो। लेकिन ये मूवी कैसा हुआ, एक्सपेक्टेशंस कितना फुलफिल किया, एंड 90s किड्स के लिए ये मूवी कितना वॉचेबल है या नहीं, ये मैं अभी आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इज द लास्ट कंक्लूशन ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। तो इसी समय 39 ईयर्स पहले स्टीफन स्पीलबर्ग के जुरासिक पार्क फर्स्ट पार्ट रिलीज हुए थे। तो आज इतने सालों के बाद ये लास्ट पार्ट रिलीज़ हुआ। तो ज़्यादातर जुरासिक वर्ल्ड के जो फैन है वो इस मूवी को लेके थोड़ा एक्सपेक्टेशंस तो रखेंगे ही, लेकिन उतना भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ। रादर देन आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस पार्ट, क्योंकि इससे पहले जो फॉलन किंगडम पार्ट रिलीज हुए थे वो पार्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा था रिगार्डिंग दिस लास्ट पार्ट। तो अगर स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोसाइन का एक लेबोरेटरी है, जो कि दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ डायनासोर, एक टाइप ऑफ ऐसे इंसेक्ट्स है, खेत पे जाके खेतों को तबाह कर रहे हैं एक के बाद एक। और वो जो इंसेक्ट सॉर्ट ऑफ डायनासोर है वो डीएनए से बहुत चेंज करके एक ऐसे तरीके से बनाया हुआ है जो कि मशीन से वो लोग काम करते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक पार्क के जो दोनों टीम है एक साथ, वो कैसे होंगे, ये बायोसाइन लैब के अगेंस्ट लड़ेंगे, ये डायनासोर को कैसे ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे जो चारों ओर जो डायनासोर फैल गए हैं अपने एरिया से, जो बाहर आ गए हैं, इन सबको कैसे एक जगह पर लाएंगे, यही हम लोग को इस फिल्म पे देखने को मिलेंगे। तो स्टोरी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पुराने फर्स्ट मूवी के जो 3 प्राइम मेंबर्स है वही इस फिल्म में भी वापस आएंगे, साथ ही साथ जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में भी जो 2 किरदार थे वो भी इस फिल्म पे आएंगे। तो स्टोरी उतना भी मुझे थ्रिलिंग या उतना भी एंगेजिंग मुझे नहीं लगा, लेकिन एज यूजुअल इस फिल्म पे आप लोगों को बहुत एक्शंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। फॉर द सिनेमाटोग्राफी, फॉर द VFX एंड डेफिनेटली फॉर द एक्शन, ये मूवी एक ट्रीट टू वॉच है। स्पेशली इफ यू वॉच दिस मूवी इन 3D, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। लेकिन ये लास्ट पार्ट होने के बावजूद भी जिस तरीके से कंक्लूशन होना चाहिए था, एक्चुअली उस तरीके से कंक्लूशन नहीं हुआ। लाइक फर्स्ट पार्ट के जो 3 मेन लोग हैं उनको भी इस मूवी पे ले आए, आप लोगों को थोड़ा बहुत एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप देंगे, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी एक अच्छा कंक्लूशन मूवी जिस तरीके से होना चाहिए था वो इस स्टोरी पे पूरी तरीके से फेल हो गए, जिसके कारण ये 2.5 घंटे का जो मूवी है इसमें आप लोगों को सिर्फ एक्शन और विजुअल ट्रीटमेंट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक स्टोरी बहुत ही फ्लैट है, लेकिन इस फिल्म पे एक्टिंग के बारे में कहूँ तो डेफिनेटली सब लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है। और यहाँ पे थोड़े बहुत आप लोगों को वो जुरासिक पार्क के जो थीम बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी सुनने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ नॉस्टैल्जिक ट्रिप। इससे पहले जो फॉलन किंगडम रिलीज हुए थे उसमें भी स्टोरी कुछ हद तक थोड़े बेहतर थे, लेकिन ये मूवी जो हुए आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऐसे स्टोरी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। लाइक दे आर टेकिंग द प्रीवियस फिल्म्स हीरो टू दिस मूवी ऑल्सो, लेकिन स्टोरी जो है वो अल्टीमेटली इस फिल्म पे एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसके कारण ये लाइक 2.5 घंटे का मूवी है, लेकिन इतने लॉन्ग रन टाइम भी नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन नहीं होल्ड करके रख पाएंगे ये मूवी, जिसके कारण ये जो फिल्म का रन टाइम है वो भी एक मेजर इम्पैक्ट फैलता है इस मूवी पे। लेकिन ऐसा ही सेट फिल्म का एक्शन बहुत ही बढ़िया है, और लाइक 2-3 सालों के बाद फिर से आप लोगों को ये जो डिफरेंट डायनासोर्स देखने को मिलेंगे दैट विल गिव यू अ नॉस्टैल्जिक ट्रिप डेफिनेटली, बट दैट डजंट इनफ टू मेक अ गुड मूवी। लाइक एक्शन और विजुअल ट्रीटमेंट से एक मूवी नहीं होता। अगर मूवी का रन टाइम इतना लंबा है तो थोड़ा स्टोरी पे भी एलिमेंट देना चाहिए था, जो इस फिल्म पे एज यूजुअल बहुत बहुत ही लैक थे। तो अगर ओवरऑल कहूँ, आप लोग अगर जुरासिक वर्ल्ड के फैंस हो और अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस, बट लेट मी टेल यू प्लीज़ डोंट कीप एनी होप, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड गारंटीड। तो अगर आप लोग ने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी देख लिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।